हेलो गाइज, आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम आपको CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में बता रहे हैं। हमारा आज का ये वीडियो जो रहेगा वो CSS इंट्रोडक्शन बेस है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं व्हाइट पे कि हमने जो टॉपिक डाल रखा है वो डाल रखा है किसका, CSS का। CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो कास्केडिंग स्टाइल सीखने से पहले आपको HTML जो है HTML का जो पॉइंट है वो क्लियर होने चाहिए। यदि आपको HTML के पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप CSS नहीं सीख सकते हैं। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं CSS बताने से पहले आपको जो है आज की इस वीडियो में पहले HTML का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। HTML जैसे आपने सुना होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सही है। ये क्या है, वेब पेज बनाने के लिए यूज करते हैं, वेब पेज क्रिएशन के लिए। क्योंकि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ट्यूटोरियल है मतलब वीडियो जो है वो हिंदी बेस है, मतलब हिंदी के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश के लिए आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, वो दूसरा चैनल है, सही है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बात तो हमारी CSS की, पर हम HTML के बारे में बता रहे हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं है वो लैंग्वेज नहीं है। ये HTML क्या है, बस क्या है, आपको टैगों के माध्यम से हम बैक पेज पे डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब शो करा सकते हैं। आप जानते हैं जैसे HTML का जो बैक पेज बनता है वो टैगों की सहायता से होता है, और टैग जो क्रिएट होते हैं वो होते हैं किसी भी वेब ब्राउजर में, सही है। वेब ब्राउजर में उसका क्या है, रिजल्ट आएगा, और क्रिएशन जो होगा वो होगा आपका किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, मतलब कोई भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर हो सकता है। टैग किसे बोलते हैं, ये हमारे कहलाते हैं क्या, HTML। ये क्या है, टैग। यदि मैंने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो वो सब हमारा क्या है, टैग कहलाएगा। ये देखें HTML टैग, हेड टैग आप यूज करते हैं, क्या होगा आपने आपका टाइटल टैग, ये सब क्या है हमारे टैग। इसकी सहायता से हम क्या है, वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो HTML मान लो हमने क्या है, इधर मैं आपको लिख के थोड़ा सा बताऊं, ये हमारा कोई वेब पेज बनाया हम HTML की मदद से। तो हमारे क्या होंगे इसमें कुछ पीसेज ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इन एलिमेंट भी बोलते हैं। इस तरह से एलिमेंट दिख रहे होंगे आपका, हेड दिख रहा होगा, टाइटल दिख रहा होगा, फिर आपने कुछ ना कुछ टाइटल दिया होगा अपने वेब पेज के लिए, इस तरह से आपने देखा होगा। फिर आपने क्या है, क्लोज कर दिया होगा, है इस तरह से ब्रैकेट लगा दें तो ये बोला जाता है क्या, क्लोज टैग। मोस्टली ज़्यादातर जो HTML में टैग यूज होते हैं वो स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, पर कुछ टैग ऐसे हैं जो स्टार्ट होते हैं जिन्हें क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्हें टैग या एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद आपने क्या है, जो भी आपको रिजल्ट दिखाना होगा, बॉडी टैग का यूज किया होगा, सही है। उसके बाद आपने जो भी आपको दिखाना है वो आपने पैराग्राफ लिख दिया होगा, उसके बाद आपने बॉडी क्रूज कर दिया होगा, ये हम HTML के दाम है। फिर आपने HTML को क्रूज कर दिया होगा और फाइल को सेव एज कर दिया होगा, सेव एज फाइल। आप कुछ भी क्या है फाइल का नाम दे सकते हैं, कुछ भी। मैं लिख दिया यहाँ पे जैसे बैग डॉट HTML। तो मैंने क्या है, जो इसके बॉडी के बाद लिखा है वो कोड आपका क्या है, रिजल्ट दिख रहा होगा, और जो भी आपने की है वो प्लानिंग जो की है वो HTML की टैग की सहायता से की है, सही है। तो CSS सीखने से पहले आपको HTML आना चाहिए, जब भी आप क्या है CSS कर सीख सकते हैं। अब CSS का यूज क्या है, यदि हम बात करें HTML में, HTML में CSS का ये यूज है वो सिर्फ इतना यूज है कि हम जैसे हमने क्या है बॉडी बना ली, मतलब पेज बना लिया, यदि उस पेज को हमें डेकोरेट करना है, मतलब डेकोरेट मैनर में करना है, तो यूज करेंगे हम किसका, CSS का। CSS जस्ट लाइक फॉर्मेटिंग स्टाइल के लिए यूज करते हैं हम किसका, HTML वेब पेज के। यदि हमें HTML वेब पेज पे स्टाइल डालनी है, सही है, फॉन्ट कलर इस तरह से, तो हम यूज करेंगे किसका, CSS का। CSS जो है सिर्फ स्टाइल के लिए होता है, सही है, पर HTML उस स्ट्रक्चर को तैयार करता है, मतलब बना रहा है। तो HTML का आना अनिवार्य है, जब भी आप क्या CSS को सीख सकते हैं। अब मेरा मानना ये है, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, सही है, तो आपको CSS सीखने से पहले HTML तो आता ही है। हम बात कर रहे हैं किसकी, CSS। CSS आपके वेब पेज को एक स्टाइलिश कर देगा, मतलब डेकोरेट मैनर। क्योंकि आज के समय में जो
जो व्यक्ति अच्छा दिखता है वही मार्केट में आप देखो डिमांड है हर चीज की। सही है, डेकोरेट तो मेरे सही है, जितना भी आप देख रहे हैं वो क्या है, आप डेकोरेट लेना पसंद कर रहे हैं, मतलब डेकोरेट में ना सही है। अब ब्यूटी पार्लर क्या है, डेकोरेट, वहां पे क्या है व्यक्ति का निर्माण हो रहा है, माइंड में क्रिएशन हो रहा है, नहीं सिर्फ बनी बनाए व्यक्ति में परिवर्तन हो रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, तो इट्स कॉल्ड क्या, डेकोरेट मैनर। वही और हमारा किस्सा है यहाँ पे, हमारे HTML वेब पेज जो बनाया है हमने HTML की सहायता से, CSS उसे क्या है स्टाइल कर देगी, इसी वजह से इसका नाम है कास्केडिंग स्टाइल सी। सही है, कास्केडिंग स्टाइल सी। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो मैंने लिखा है इसमें CSS इज यूज्ड टू स्टाइल एंड लेआउट वेब पेज। सही है, हम क्या है CSS की सहायता से स्टाइल और लेआउट दे सकते हैं किसको, वेब पेज में। सही है, तो यहाँ पे क्या है स्टाइल भी दे सकते हैं और लेआउट भी दे सकते हैं। तो स्टाइल मतलब किस तरह से आएगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, लेआउट मतलब पोजीशन, यदि आपको वेब पेज पे पोजीशन भी सेट करनी है। सही है, तो भी आप यूज करेंगे किसका, CSS का, जैसे फ्रेमिंग होती है आगे की वीडियो में बता रहे होंगे। सही है, फिर लिखा है मैंने फॉर एग्जाम्पल आप समझ सके, टू अल्टर द फॉन्ट, मतलब फॉन्ट तो है हमारे पास, उसमें आप अल्टर कर सकते हैं उसके कलर में, मान लो ब्लैक आ रहा है ग्रीन करना है तो ग्रीन कर सकता हूँ, साइज में परिवर्तन कर सकते हैं, स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं हम, उसका आपका क्या है कंटेंट का, आप क्या है स्पीड, मतलब दो हवा में तोड़ सकते हैं वेब पेज को, आप देखते हो एक तरफ इस तरह से हमारा वेब पेज है और वेब पेज पे क्या है अलग अलग पार्टीशन आ रहा है, ऊपर का पार्टीशन आ रहा है जो अपर वाला है और इस तरह से मेरे पार्टीशन मतलब फ्रेमिंग कर दी। सही है, इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम में तोड़ सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं CSS के द्वारा, और आप क्या है अदर डेकोरेट, अदर डेकोरेट तो बहुत से फ्यूचर है। सही है, आपने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कलर चेंज कर दिया, स्टाइलिश कर दिया, ये आपने कॉलम में डिवाइड कर दिया किसको, HTML पेज को, पर HTML आपको आना चाहिए जब आप CSS का यूज कर सकते हैं, CSS जस्ट लाइक फॉर्मेटिव स्टाइल। सही है, CSS जो है हमारे वेब पेज को एक डेकोरेट बना देगी, मतलब खूबसूरत बनाएगी जिससे आपको देखने में क्या है अच्छा लगे, लुक अच्छी लगे उसकी। उसके बाद यदि हम बात करें और इंट्रोडक्शन तो आप समझ गए होंगे जैसा कि मैंने बताया आपको, और HTML आप जानते हैं। अब जो हमारा CSS है कास्केडिंग स्टाइल शीट, सही है, कास्केडिंग स्टाइल शीट को HTML पर तीन तरह से हम यूज कर सकते हैं, मतलब इसके जो वे हैं यूज करने के वो क्या है, थ्री वे हैं जो हम यूज करेंगे HTML पेज पर। पहला जो मैंने लिखा है देखिए आप, थ्री वे टू यूज या इंसर्ट आपकी HTML स्टाइल शीट, मतलब CSS स्टाइल शीट, CSS स्टाइल शीट को यूज करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, मतलब वे हैं। पहला है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, मतलब बाहरी, हम क्या है स्टाइल वाली फाइल जो बनाएंगे CSS की वो एक अलग फाइल बनाएंगे और उसे हम क्या है अपने HTML वेब पेज पर यूज करेंगे। दूसरा जो है वो है हमारा इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होगा कि हमारी जो स्टाइल वाली शीट है वो हमारी फाइल के अंदर ही होगी और हम क्या है उसे वहीं की वहीं यूज करेंगे। तीसरा है हमारा इनलाइन स्टाइल शीट, मतलब इनलाइन CSS, मतलब एक ही एलिमेंट पे अप्लाई होगी। इसको मैंने डिफाइन भी किया है, पहला लिखा है एक्सटर्नल CSS या एक्सटर्नल स्टाइल शीट, बातें की एक्सटर्नल मतलब बाहरी, तो इसमें लिखा है मैंने विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाई चेंजिंग जस्ट वन फाइल, मतलब जैसे क्या है हमारी वेबसाइट है। सही है, तो वेबसाइट तो हमारी काफी बड़ी है। सही है, और उसमें ये भी हो सकता है कि पेजेस की संख्या जो है 15 हो, सही है, या 150 हो, इस तरह से उसमें क्या है वेबसाइट पर हमारी क्या है पेजेस की संख्या। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ इसका फायदा क्या है एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट यूज करने का, मतलब हम क्या है जो हमारी स्टाइल वाली शीट है उसमें हम एक में फाइल में परिवर्तन कर दें तो जो आपकी HTML वाली वेबसाइट बनी हुई है वेब पेजेस जो है, सही है, 150, तो उसमें क्या है सभी की स्टाइल एक ही साथ चेंज हो जाएगी, जैसे बुक होती है। सही है, कोई बुक की वेबसाइट है उसमें वो क्या है हेडिंग और हेडिंग का कलर वो तो सबका सेम ही होगा और मुझे चेंज करना है तो मैं क्या है सिर्फ स्टाइल वाली शीट को चेंज करूँगा और ऑटोमेटिकली सभी में क्या है चेंजेस हो जाएगी। ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट का फ़ायदा है, जब हमारे वेबसाइट बड़ी है
सही है, जिसमें पेजों की संख्या ज़्यादा है तो हम एक्सटर्नल एक्सेल शीट का यूज करेंगे, जिसमें वही बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही फाइल में चेंज करने पे जो एचटीएमएल से फाइल लिंक हुई है सीएसएस की, उसमें चेंज करने पे पूरी आपका एचटीएमएल वेब पेज की स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब बदल जाएगा, सबसे बढ़िया फायदा। दूसरा है हमारा इंटरनल सीएसएस, मतलब यूज करने का। इंटरनल में क्या है, इसमें क्या है, आप एक ही फाइल पे यूज कर सकते हैं, मतलब जो करंट में फाइल चल रही है उसी पे यूज कर सकते हैं पेज पे, आप दूसरी फाइल पे यूज नहीं कर सकते पेजों पे। लिखा है एन इंटरनल स्टाइल शीट मे बी यूज इफ वन सिंगल एचटीएमएल पेज, मतलब जो सिंगल एचटीएमएल पेज बनाया है आप वहीं पे यूज कर सकते हैं उस यूनिक स्टाइल को, मतलब और पेजों पे यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब हर पेज के लिए आपको अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। सही है, मान लो 150 है तो 150 पे आपको अलग अलग करना पड़ेगा। सही है, उसके बाद है आपका इनलाइन सीएसएस। इनलाइन मतलब लाइन के अंदर, उसमें क्या है, एन इनलाइन स्टाइल मे बी यूज टू अप्लाई ए यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट, मतलब आप उसी एलिमेंट पे सिंगल स्टाइल लगा सकते हैं। सही है, तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस तीनों में। पहला वाला क्या है, यदि पेजों की संख्या ज़्यादा है फाइल मेरी वेबसाइट में तो यूज करना एक्सटर्नल, यदि एक ही फाइल है एक ही पेज है तो इंटरनल से काम मिल जाएगा, और सिर्फ आपको पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट में मतलब चेंजेस करनी है, मतलब फॉर्मेटिंग करनी है जस्ट लाइक डेकोरेट, तो इनलाइन से चल जाएगा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज, जो मेन टॉपिक है हमारा, वो है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट, मतलब एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम कैसे परिवर्तन करेंगे। तो आप देखें एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में बात करते हैं, जानती हैं एच टी एम एल
सभी बच्चे याद नहीं, सही है। सबसे पहले लिखते हैं, फिर लिख दिया मैंने हेड, फिर आपका हेड लिख दिया आपने। अब मुझे क्या है वो स्टाइल यूज करनी है, कौन सी वाली, जो मैंने क्या है इसमें लगाई थी। तो एक क्या है हेड के बाद आपको यूज करना पड़ेगा क्या, लिंक टैग। जो लिंक टैग होता है वो आपको क्या है हेड के बाद यूज करना होगा, सही है। एचटीएमएल आ गया, हेड आ गया, हेड के जस्ट बाद आपको क्या है लिंक टैग लगाना है। लिंक टैग किसके लिए, क्योंकि जो हमने फाइल बनाई है उसे लिंक करेंगे ना, जो हमने फाइल बना रखी है उसकी स्टाइल की, उसे लिंक करने के लिए हम यूज करेंगे किसका, लिंक टैग का। तो यहाँ पे लिखा मैंने लिंक ही लिखना है आपको, सही है। फिर आपको क्या है लिंक लिखना है, फिर आपको लिखना है आरईएल, वही तरीका आपको। फिर आपको क्या है इसमें आपको आरईएल लिखना है, सही है, और इक्वल टू लगाना है, क्योंकि एचटीएमएल में आ गए हम, यहाँ पे डाल देंगे एस टी वाई एल स्टाइल सीट, मतलब जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो स्टाइल सीट आप लगा देंगे। उसके बाद इमिट कोमा के अंदर आप बंद कर देंगे, सही है, और फाइल को जोड़ने के लिए एच आर ई एफ डालेंगे आप। लिंक टैग बताया था मैंने, एचटीएमएल में पढ़ा रहा था, सही है, हाइपरलिंक के बारे में आप देख सकते हैं। अब आप अपनी फाइल का नाम लिखते हैं जिस नाम से आपने सेव किया, तो मैंने क्या लिखा है उसका मेन, तो यहाँ लिखेंगे एम ए आई एन मेन डॉट सी एस एस, और ये आपका क्या है इस तरह से हम लिख देंगे, क्योंकि लिंक टैग का लगाया मैंने, लिंक टैग का यूज किसके लिए है, फाइल को जोड़ने के लिए। फाइल को जोड़ने के लिए मैंने क्या है कॉमेंट देख रहा हूँ मैं, लगातार कॉमेंट आ रहा है, ठीक है, तो फाइल को जोड़ने के लिए मैंने लिंक टैग लगाया। उसके बाद आप अपना क्या है हेड क्लोज कर देंगे, ये हो गया। अब जहाँ पे भी मैं क्या है इसको लगाऊंगा, किसको, एच वन को, यहाँ पे क्या है बॉडी, आपको मालूम है बॉडी क्या है एच टी एम एल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, बॉडी जो है मतलब एच टी एम एल पेज का सबसे बड़ा पार्ट होता है, बॉडी लिख देंगे। और हम लगा देंगे क्या जो हमारा एच वन है उसे हम क्या है ऐड कर देंगे, बॉडी लिखा मैंने, यहाँ लिख देंगे क्या एच वन, सही है, और एच वन लिख के जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ राधा स्वामी, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे मैंने क्या है एच वन क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या है जो फॉन्ट का कलर ब्लैक है आना चाहिए वो क्या आएगा रेड आएगा, आप लोगों ने रेड करके देखना फिर मैं बताऊँगा कोई प्रॉब्लम आए तो, सही है। फिर मैं दोबारा भी यूज कर सकता हूँ इसका एच वन, यहाँ रख दिया मैंने अपने नाम डी के शर्मा, और मैंने एच वन को कर दिया क्या क्लोज कर दिया, और लास्ट में मैंने बॉडी क्लोज कर दी। उसके बाद मैंने एच टी एम एल क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को आप एच टी एम एल पढ़ाया आपने, तो आप सेव करना तो जानते ही, आप इस फाइल को क्या कर देंगे सेव एज कर देंगे, किसको, एच टी एम एल वाली फाइल को सेव एज, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लो मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया डेव पेज डॉट एच टी एम एल, दूसरी फाइल जो आपको सेव करनी है वेब पेज, या नाम पहला वाला नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, पर लास्ट वाला क्या है उसे बोलते हैं एक्सटेंशन नेम, मतलब आइडेंटिफाई ऑफ सॉफ्टवेयर, ये तो आपको जानते हैं। तो आपको क्या लगाना है डॉट एच टी एम एल, इस फाइल को आप सेव कर देंगे। अब आप जब आप देखेंगे इसका आउटपुट, तो ये दोनों जो टैग्स हैं इसका कलर कैसा आएगा रेड, जो दोनों टैग्स हैं तो उसका कलर कैसा आएगा आपका रेड कलर आएगा, क्योंकि हमने क्या है अपनी फाइल की जो स्टाइल डाली है उसमें कलर क्या डाला है हमने रेड, तो इसका कलर कैसा आएगा रेड आएगा, सही है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, आप यहाँ पे क्या है फॉन्ट करके स्टाइल भी बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट का साइज भी बढ़ा सकते हैं, सही है। अभी तो हमने सिंगल बताया, ये आप देखें, तो इसे आप सेव कर देंगे। ये हो गई हमारी क्या एक्सटर्नल स्टाइल सीट, मैं एक बार फिर डिस्क्राइब करूंगा। एक्सटर्नल स्टाइल सीट में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या है एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, एक्सटर्नल फाइल सी एस एस की, उसमें हम क्या है जो भी स्टाइल में अप्लाई करनी है वो आप लिख देंगे,
जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करनी है उस स्टाइल को आप लिख देंगे। जैसे मैंने ऐड किया है, मान लो सबकी फॉर्मेटिंग क्या है, ग्रीन करनी है, तो यहाँ ग्रीन कर देंगे हम, सही है। कोड को इसी तरह से लिखेंगे हम। उसके बाद हमने उस फाइल को यूज करना है, तो उस फाइल को यूज करने के लिए सी एस एस वाले को हमने यूज किया है किसका, लिंक का, टैग का। और लिंक के बारे में वीडियो में बता दूंगा अगली वीडियो में। स्टाइल शीट लिखना है एच आर ई एस, जैसे लिखना है आपको जोड़ने के लिए हाइपरलिंक में बताया था हमने, मेन डॉट सी एस एस जो फाइल है। अब यहाँ पे यदि इसमें चेंजेस करेंगे तो कंप्लीट हमारी जितनी भी फाइल है उसमें क्या है, एक ही बार में चेंज हो जाएगा, मतलब बैक पेज पे। ये एक्सटर्नल का सबसे बड़ा आपका क्या है, फायदा है, सही है, या एडवांटेज है हमारी इसकी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कमेंट के माध्यम से लगातार चल रहा है क्लास। अब जो बात करते हैं हम आगे की, वो बात करते हैं हम इस वीडियो में इंटरनल सी एस एस। मतलब इंटरनल सी एस एस सिर्फ एक ही पेज पे काम करता है, जो आपने फाइव पेज बनाया है, तो उसका यूज कैसे है। यदि हम एक क्वेश्चन और करें कि हमने क्या है, किसी टैग पे इंटरनल भी लगा रखी है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी लगा रखी है रेगुलेट करने के लिए एचटीएमएल बैक पेज पे और इनलाइन भी, तो सबसे पहले जो है मतलब जो इफेक्ट पड़ेगा या प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहले किसको कौन सा काम करेगा, तो इनलाइन शीट की जो है वो सबसे ज्यादा अधिक वर्क करती है। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हम बता रहे होंगे उस समय भी बता रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट का कोड कैसे लिखा जाएगा फाइल में, एंड इंटरनल स्टाइल शीट मे बी यूज इफ वन सिंगल एचटीएमएल पेज हैज ए यूनिक स्टाइल। मतलब वन सिंगल एचटीएमएल पेज पे ही हम यूनिक स्टाइल को क्या है लगा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं अपनी सेकेंडली हेड क्लोज कर देंगे, हेड क्लोज कर दिया आपने।
सही है। कुछ लोग क्या है, यहाँ पे बॉडी लगा देते हैं फिर बॉडी को भी नीचे वर्क कर देते हैं, पर हमने बॉडी का यूज नहीं किया। अब बॉडी पीजी कलर देने का काम आता है, मतलब बैक पेज का कलर दे सकते हैं, वो हम आगे की वीडियो बता रहे होंगे, आज जो बता रहे हैं हम सीएसएस का यूज करना होता है। तो बॉडी टैग लिख दिया मैंने, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। अब आपका वही है, यहाँ पे लिखा मैंने H1, सही है। यहाँ पे दे दिया मैंने अपना नाम डीके शर्मा, और मैंने क्या है H1 और H1 को दिया क्लोज। अब मैंने क्या है यहाँ पे आपका बॉडी क्लोज कर दिया, और मैंने बंद कर दिया किसे HTML क्लोज कर दिया। अब हम इस फाइल को सेव कर देंगे, ये आप देखें H1, तो इससे क्या होगा मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा ग्रीन कलर का। अब मैं इस पेज पे पूरे पे कहीं पे भी मतलब किसी भी लोकेशन पे H1 को यूज करूंगा तो H1 जो है वो उसका कलर कैसा आएगा ग्रीन, तो मतलब पूरे पेज पे ये वर्क करेगा। मैंने इसको क्या है सेव एज कर दिया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका, कुछ भी दे सकते हैं dev1.html, यहाँ पे html ही देना है और कर देना फाइल का सेव है। ये हो गई हमारी क्या इंटरनल स्टाइल सी, आप समझ में आ रही है आपके बात या नहीं आ रही। ये हो गई हमारी क्या इंटरनल स्टाइल सी, आप नोट कर लिया होगा देख लिया होगा। तो ये यहाँ पर हमने स्टाइल दी और हमने क्या है एक नाम दिया वो उसी तरह से लिखा है हमने, स्टाइल बंद कर दी और हेड क्लोज कर दी। तो ये बॉडी स्टार्ट किया हमने और यहाँ कर दिया बॉडी के माध्यम से आप पीछे पेज पे कलर भी दे सकते हैं, हमने बताया नहीं था HTML के समय हम बता रहे थे। सही है, तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं अपनी तीसरी और लास्ट इनलाइन स्टाइल फील्ड। सही है, ये क्या है सिर्फ आपके दिए हुए कोड पे ही काम करती है, मतलब जो आपने एलिमेंट दिया है वही काम करेगी। सही है, इसमें लिखा भी है तो इनलाइन मतलब लाइन के अंदर, पर इसकी जो वर्किंग क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। सही है, तो यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो बताया। हम बात कर रहे हैं इनलाइन, अब इनलाइन का हम यूज कैसे करेंगे ये और आपको बताना है। इनलाइन देख कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इनलाइन में क्या है ऊपर का तो आप ऐसे लिखेंगे जैसा है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तो लिखना ही लिखना है HTML। सही है, फिर आपको लिखना है हेड, आप पहले से जानते हैं हेड लिखते हैं। सही है, फिर आप लिख देंगे टाइटल, जानना चाहें तो आप टाइटल भी दे सकते हैं। सही है, और नहीं देना चाहें तो हम समझा रहे हैं, जब हम वेब पेज बना रहे होंगे उसमें बता रहे होंगे इस तरह से व्यू बॉडी व्यू डिवाइड बॉडी बॉडी लगा दिया हमने। अब हम टैब को कैसे यूज करेंगे ये बता रहे हैं, हमने लिखा कि यहाँ पे क्या H1, आप H2 दे सकते हैं H3 दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ लिखा हमने स्टाइल, स्टाइल मतलब स्टाइल तो हमने हर बार यूज किया है तो यहाँ पे तो हमने स्टाइल को यूज कर लिया। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। और हमने स्टाइल डाल दी और स्टाइल में आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे दिया हमने स्टाइल में आपका कलर, मतलब कलर जो भी आपको फॉन्ट पे देना है पहले दिया था वही ऐसे बस लिखने का पैटर्न चेंज हुआ है। यहाँ पे हमने कलर दे दिया मान लो आपका येलो,
कॉलन, और ये आपका क्या सेमी कॉलन जो हम पहले ले रहे थे उसी प्रकार से हमने फिर ले दिया। यहाँ पे लेके आपको ट्रॉल आउट बताए, यहाँ पे हमने क्या है क्लोज कर दिया, और ये हमने क्या है एच वन वाला भी आपका क्या है ये हो गया। अब क्या है हम यहाँ पे हम क्लोज नहीं करेंगे, मतलब जिस पे हमें अप्लाई करना है उस बात को हम क्या है लिख देंगे। तो हमें क्या है सिर्फ इसी लाइन एक ही लाइन पे करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या है अपना सिटी डाल दिया अलीगढ़, और मैंने क्या है एच वन को क्लोज कर दिया इस तरह से। फिर मैंने बॉडी क्लोज कर दिया, उसके बाद मैंने एच आपका एच टी एम एल ये भी क्लोज कर दिया। आप देख रहे होंगे कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। और इसी पर देंगे हम क्या सेव एज, यहाँ पर डाल दिया मैंने इनलाइन डॉट सी एस एम सॉरी एच टी एम एल और सेव कर देंगे। जैसे आप सेव कर देंगे तो आपका जो अलीगढ़ वाला है उस पर क्या है कलर का इफेक्ट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। तो आज के वीडियो में हमने बताया है, आपको समझ में आया या नहीं आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। डी के शर्मा कंप्यूटर क्लासेज।